वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मंडी सर्किट हाउस में जन समस्याएं सुनने के उपरांत कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश निर्धन व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सही लोग तक सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचे। सरकार लोगों की आज की जरूरतों को ध्यान देने के साथ साथ भविष्य के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने लोगों की अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि गांवों में सड़कें, बिजली, पेयजल और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की मजबूती और विस्तार पर बल दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा को और बेहतर बनाने पर भी कार्य चल रहा है और जल्द ही HRTC में बड़ी तादाद में ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी ताकि ग्रामीण रूटों पर पर्याप्त बसें चलाई जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ने जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली 750 रुपये पेंशन को बढ़ाकर 850 कर दिया है और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को पेंशन अब बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी है। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को सजग करने के लिए दिल्ली से आए बाइकर्स का एक दल हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों का दौरा कर रहा है ताकि यहां की खूबसूरती और स्वच्छता को बनाए रखने में पर्यटक मदद करें। इसके साथ दिल्ली ल्यूटेंस BMW मोटर राइड के सुपर बाइक राइडर्स का ये दल हिमाचल में बाइक टूर को भी बढ़ावा देगा। बाइकर्स के दल ने बताया कि हिमाचल की खूबसूरत वादियां, यहां की सर्पीली सड़कें पर्यटन को नई दिशा दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर बाइक पर सवार होकर वे हिमाचल पहुंचे हैं तो उनकी थकान सुंदर वादियों को देखकर अपने आप ही दूर हो गई। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले बाइकर्स पर्यटकों के लिए यहाँ वादियाँ स्वर्ग समान हैं। उन्हें नजदीक में खुलकर प्रकृति को निहारने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि वे जहाँ बाइकर्स पर्यटन को उत्साहित करने का भी प्रयास करेंगे, वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यटकों से जगह जगह रुककर अपील भी कर रहे हैं ताकि हिमाचल की खूबसूरती को पर्यटक नुकसान न पहुँचाए। उन्होंने बताया कि केयर माई टूर की ओर से आयोजित ये टूर काफी रोमांचकारी और साहसिक भी रहा है। अंशुल ने बताया कि वे दिल्ली से बाइक पर यहाँ पहुँचे हैं। उनका मुख्य मकसद हिमालय में टूरिज्म को प्रमोट करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और सफाई भी रहेगी। टीम लीडर गुरप्रीत ओब्राय ने बताया कि ल्यूटेंस BMW मोटर राइड के सुपर बाइक राइडर्स का ये दल टूर पर निकला है। उनका मकसद हिमालय में बाइक टूर को प्रमोट करना है। वे जानते हैं कि टूरिज्म का यहाँ कितना महत्व है, लेकिन यहाँ के पर्यावरण और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए वे बाहर से आने वाले पर्यटकों को जागरूक कर रहे हैं। जिला में हो रहे अवैध खनन के कारोबार में अब BJP तलख रूप में आ गई है। कुछ दिन पहले माफिया द्वारा पुलिस को धमकाने वाले मामले में BJP सरकार की काफी बेइज्जती हुई थी, जिसके बाद अब BJP तलख हो गई है। BJP के प्रदेश प्रवक्ता और हिमाचल सरकार में प्रदेश उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने पत्रकार वार्ता कर अवैध खनन के मामले पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। BJP ने जिले में हो रहे अवैध खनन के कारोबार में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के शामिल होने और उनके खनन के कारोबार में 15% हिस्सेदारी के आरोप भी लगाए और बकायदा हिस्सेदारी के सबूत भी मीडिया को जारी किए। BJP का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिनमें मुकेश अग्निहोत्री व अन्य नेताओं की हिस्सेदारी किसी न किसी नाम से है,
बीजेपी के सत्ता में आते ही इनकी हिस्सेदारी बंद हो गई है और आज वही लोग जिला में अवैध खनन को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, जबकि खुद वे अवैध खनन का कारोबार करने में शामिल थे। वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिला में सबसे ज्यादा माइनिंग लीज दिए जाने की बात कही और प्रदेश में फैले माफिया राज के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिस्मिल बरकर धर्मशाला डिवीजन द्वारा आज नगरोटा भागमा में प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि जल्द हमारे लिए भी 4 और 5 की जो पॉलिसी है वे फिर से चालू की जाए, उसके उपरांत इन्हें अनुबंध में लाया जाए। पिछली सरकार ने 250 बिस्मिल बरकरों को अनुबंध में लाए थे। इनका कहना है कि 1/10 पास कंडक्टर जो 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद अनुबंध में आ जाता है। हम सब तो ITI होल्डर हैं और वे भी सरकारी संस्थानों से। कई तो पूरा महीना काम करने के बाद भी 3,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। केवल 10 रुपए में एक पूरी बस धोने के लिए मिल रही है, कैसे गुजारा होगा। 933 बिस्मिल बरकर प्रदेश भर में कार्य कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द कोई नीति हमारे लिए भी बनाए। हम इस हालात में अपने बीवी बच्चे और माता पिता को इन पैसों से गुजारा करवाने में असमर्थ है। प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुमार शिमला से खेमचंद, मंडी से घनश्याम, धर्मशाला से योगेश, विशाल, बैजनाथ से विजय, पालमपुर से अजय, कुल्लू से विजय और उमेश आदि उपस्थित रहे।